प्रवीण खंडेलवाल जी, ये मंत्र आप ही लोग समझाते थे कि जिसकी सरकार होती है उसी पर जिम्मेदारी होती है कि संसद चले, तो ये जिम्मेदारी क्या आप कल निभा पाएंगे सोमवार को, जब हम ये माने कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, विपक्ष कह रहा है नीट बड़ा मुद्दा है, नीट पर आप लोग क्यों नहीं बहस कराते? अंजना जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से संसद चलाना सरकार का काम है, लेकिन सरकार के साथ साथ तो विपक्ष भी संसद चलाने के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जब विपक्ष ये तय कर ले कि वो काम कुछ नहीं करेंगे, केवल संसद के अनुशासन को भंग करेंगे, संसद चलने नहीं देंगे, संसद के वेल में आकर के स्पीकर के सामने खड़े होकर के उद्दंडता करेंगे, तो संसद कैसे चलेगी? हमने देखा कल किस प्रकार का वातावरण कांग्रेस के मित्रों ने संसद में बनाया। आखिरकार स्पीकर साहब को संसद को एडजर्न कर देना पड़ा। तो पहले कांग्रेस के लोग यह तय करें कि क्या वो शोर मचाने के लिए संसद में आ रहे हैं या संसद पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। स्पीकर साहब ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर जो इन्हें बोलना हो वो बोले, खुलकर आजादी है, लेकिन ये नीट की आड़ में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से किसी को छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। ये लोग केवल और केवल संसद को राजनीति का अड्डा बनाना चाहते हैं। ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। सतपाल ब्रह्मचारी जी, आपने उनकी बातों को सुना, देखिए कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि जो संसदीय परंपराएं हैं उसी को मानते हुए वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चाहते पहले चर्चा, फिर नीत पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सतपाल जी, देखिए विपक्ष के सभी सम्मानित नेतागण सम्मान करते हैं पीठ का, और मैं नीट पे कहना चाहता हूं कि हजारों लाखों नौजवानों का भविष्य की बात, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो नीट की परीक्षा है, अन्य परीक्षा है, सभी में कुछ न कुछ गड़बड़ होती रही है, और हम सब लोग चाहते हैं, हर युवा चाहता है, हर बेरोजगार नौजवान चाहता है कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी होनी चाहिए, न कि अलग अलग कारणों से हर बार परीक्षा नेट की हो, नीट की हो, कोई अन्य परीक्षा हो, सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें दिखाई देता है। नहीं, आपने मेरे सवाल का लेकिन जवाब नहीं दिया। सरकार बहस के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो बात हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर जो अभी तक की परंपरा है उसको मानकर किया जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, परंपरा का हम सब सम्मान करते हैं, पीठ का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे नेता ने और कई हमारे सांसदों ने ये बात उठाई कि भाई पहले इस पे चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री इसका जवाब देते, कहां पर गड़बड़ी हुई है? लेकिन वो कह रहे सरकार के सीबीआई के हाथ में है केस, सीबीआई जांच कर रही है। एक हजारीबाग के स्कूल के प्रिंसिपल को भी अरेस्ट किया गया है, अन्य लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उन सब पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में उस कार्रवाई को संसद में बताना चाहिए ना सबको, मंत्री ने क्या क्या कार्रवाई, कहां पर गड़बड़ी हुई है, किस स्तर पर गड़बड़ हुई है, क्या हमेशा ही गड़बड़ होती रहेगी? राजीव जी, और ये सब की शुरुआत वही बिहार झारखंड इन तमाम इलाकों से हुई है, और बहुत बड़ा सवाल है ये, छात्रों के भविष्य का सवाल है, विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है। देखिए, नीट के पेपर लीक के मामले को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठाने का काम किया है, और ये सच है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल नीट तक सीमित नहीं मानी जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देश के अनेक राज्य जहां कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, दूसरे दलों की भी सरकारें रही हैं और एनडीए की सरकारें भी रही हैं, पेपर लीक की घटनाएं वहां बदस्तूर जारी रही। इस घटना ने निसंदेह इसे एक तार्किक परिणति पर पहुंचने का जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है पूरे देश पर बढ़ाया है, और आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भी नीट पर हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है कि इस पर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम ये मानते हैं कि हिन्दुस्तान के नौजवानों का भविष्य और पूरी दुनिया में जो प्रतिस्पर्धा से के जो एग्जाम्स हैं, जो परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के जो उसकी साख पर सवाल
नहीं उठे, इसे समय रहते इसे संभाल लिया जाना चाहिए। और इस दिशा में जो केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में जो बड़े फैसले लिए, एक तरफ पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून आज अस्तित्व में है, दूसरी तरफ देश के प्रमुख शिक्षाविदों की हाई पावर कमेटी भी बनाई गई है, और जिस एजेंसी के ऊपर गाज गिरना था उस एजेंसी के डीजी को भी बदल दिया गया है। अब जहां तक जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात है, क्या क्या कुछ जो सांगठनिक ढांचा है उसको लेकर क्या क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, बिल्कुल वो सब करना होगा। संसद है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब ज्यूडिस है, वो सब करना होगा बिल्कुल, और क्योंकि पूरे सिस्टम में ही फ्लॉ है, पूरे सिस्टम में ही फ्लॉ है राजीव जी, क्योंकि ऐसे लूपहोल्स हैं। देखिए आप क्रिमिनल तरीके से जांच करके कि फला प्रिंसिपल ने लीक किया, फला प्रिंसिपल ने लीक किया, लेकिन फला प्रिंसिपल लीक क्यों कर पाया ये रोकने की जरूरत है, क्योंकि साल दर साल हम बच्चों के भविष्य को लेकर ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, आपको पार्टी ने आज असाइन किया कि हल्ला बोल में आज आशुतोष वर्मा को आना है, बहस करना है, आप यहां पर आइए हैं करके चिल्ला चिल्ला के, मतलब जो भी शोर मचाइए, जो भी कीजिए, आप विरोध कर रहे हैं, आप बड़े इशू पर ही बोल रहे हैं, लेकिन लगातार बोलते रहिए 40-45 मिनट, उठ के चल दीजिए, क्या ये स्वीकार्य होगा, क्या ये तरीका होना चाहिए, वैसे, क्या देश सुनना नहीं चाहेगा कि आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से किस अंदाज में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अंजना जी, वैसे ये हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन आपने बात शुरुआत करी है संसदीय परंपराओं की, और मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद से सुन रहा था, तो क्या सरकार के ऊपर दायित्व नहीं इन परंपराओं का? इस देश में जैसे ही इन्होंने टोटेम स्पीकर का चुनाव किया, उसके साथ ही इन्होंने परंपराओं को चेंज कर दिया, क्योंकि टोटेम स्पीकर के लिए पहले भी कहा जाता था कि कहीं ना कहीं टोटेम स्पीकर को होगा जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रहा है, उसमें इन्होंने क्लॉज लगा दिया कि नहीं, कॉन्जिक्यूटिव डेज होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव टर्म होना चाहिए। चलिए कोई बात, 2019 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भारत के इतिहास में डिप्टी स्पीकर नहीं रखा। क्या वहां संसदीय परंपराएं उन्होंने ध्यान रखी? 17वीं लोकसभा में बार बार माइक बंद होना, क्या ये संसदीय परंपरा थी? लीडर ऑफ अपोजिशन के भाषण से उसके स्टेटमेंट को स्पंज करना, क्या ये संसदीय परंपरा थी? 146 चुने हुए एमपीओं को निलंबित कर देना, क्या ये संसदीय परंपरा थी? 35% से ज्यादा बिल ध्वनि पद से पारित कर देना, क्या ये संसदीय परंपरा थी? कौन सी परंपराओं की बात कर रहे हैं आप? आज देश में इस देश के बच्चों के भविष्य की बात है, और इस देश की भविष्य की बात सिर्फ इतनी कही गई थी कि हम सदन के माध्यम से उनको आह्वान करें, उनको विश्वास दिलाएं कि आपका भविष्य खतरे में नहीं है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, और विपक्ष की कोशिश है। याद कीजिए अरुण जेटली जी ने क्या कहा था, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था कि सरकार को की जिम्मेदारी है कि सदन वो चलाए। आखिर किरण रिजिजू जी को बनाया किस लिए गया है? अर्जुन मेघवाल जी को बनाया किस लिए गया है? ठीक है, प्रवीण खंडेलवाल जी अब इसका जवाब देंगे। प्रवीण खंडेलवाल जी, अब आप जवाब दीजिए, और यही मैंने प्रश्न भी शुरू में यही किया। कुल मिलाकर देखिए, सबका यही कहना है, आप ही लोग समझाते थे ना कि जो सरकार में है उसकी जिम्मेदारी है, तो ये जिम्मेदारी आपको निभानी होगी, और विपक्ष को ऐसा लगता है कि नीट के मुद्दे पर वो आपको घेर सकते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। ये थोता चना बाजे घना वाली बात हो रही है। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि संसदीय परंपराओं का पालन होगा या नहीं होगा। स्पीकर, ऐसा पहली बार हुआ कि पहले ही दिन कांग्रेस के लोग वेल में आ गए, और वेल में आकर के जिस प्रकार का बर्ताव उन्होंने स्पीकर के साथ किया, क्या वो शोभनीय था? आपको आपको मुझे ऐसा लगता है इनकी कोई दिलचस्पी नीट की समस्या में नहीं थी, केवल अपने आप को मीडिया पर दिखाना और पॉलिटिकल माइलेज लेना इनका उद्देश्य था, इसीलिए इन्होंने इतना शोर शराबा मचाया जिसका कोई औचित्य नहीं था। पार्लियामेंट का इतना समय इन्होंने खराब किया, क्या इस बात के लिए लोगों ने इन्हें चुन के भेजा था? कहीं ना कहीं इनको यह समझना होगा कि पार्लियामेंट सदस्य के रूप में इन सबकी जिम्मेदारी है, और सरकार ने बार बार कहा, स्पीकर ने बार बार कहा कि आपको जो कहना है आप धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में कीजिए। अरे भाई, इनको मन की बात कहनी थी तो उस चर्चा में कह सकते थे, लेकिन चर्चा में भाग नहीं लेना था इनको।
इनको तो पार्लियामेंट का माहौल खराब करना था, ये पार्लियामेंट चलने देना नहीं चाहते हैं, देश की जनता इसको देख रही है। सतपाल जी जवाब दीजिए इसका, सतपाल जी इसका जवाब दीजिए। सबके सामने है, आपका व्यवहार इमरजेंसी को ले आए, क्या ये उचित था? क्या ये उचित है कोई सीनियर हमारा लोकसभा सदस्य कोई बात कहे और उसको डांटा जाए? ये उचित है? कोई संविधान की बात करे उसको कह देते कि बैठ जाइए? मैं सम्मानित पीठ से भी कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ प्रार्थना पूर्वक कि जो चार चार बार पांच पांच बार के एमपी हैं, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कितने सम्मानित शब्दों से आग्रह किया था और उनको जो हमारी सम्मानित पीठ है, पीठ के द्वारा ऐसे कहा गया कि आप बैठ जाइए, क्या भारत में, स्वतंत्र भारत में क्या हम बात नहीं कर सकते, नीट की बात नहीं कर सकते, जिससे लाखों युवा नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कह सकते? बात कहने का तरीका संसदी तो है, कहां पर कहेंगे जाके? चाहे नेट हो चाहे नीट हो, कोई भी परीक्षा आज तक पारदर्शिता से ये नहीं करा पाए हैं, कोई बोले तो उस पे कहते कि संसद को नहीं चलने देते। जवाब दीजिए इसका, खंडेलवाल जी। नहीं नहीं अंजना जी, ये बुनियादी सवाल से बच रहे हैं, पहले ये इस बात का जवाब दें कि ऐसी कौन सी परंपरा है पिछले 75 सालों में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को एडजर्न करने की मांग उठाई गई हो? कभी नहीं हुआ। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, क्या कभी धन्यवाद प्रस्ताव एडजर्न हुआ? कभी नहीं हुआ। इस बात को ये अच्छी तरीके से जानते थे कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जब पीठासीन अधिकारी ये कह रहे हैं, स्पीकर ये कह रहे हैं कि आपको जो कहना है आप धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लीजिए और कहिए, तब इन्हें क्या क्या समस्या थी? मैं इसलिए इनको इनको नीट की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इनको उनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल अपनी राजनीति करना चाहते हैं और पार्लियामेंट को उसका ये माध्यम बना रहे हैं, ये बहुत ही खराब बात है। इसका जवाब दीजिए। तो मान्यवर इसकी बात कहां पर की जाएगी? अगर लोकसभा में नहीं करेंगे तो कहां पर करेंगे बात? लेकिन क्या वो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद नहीं हो सकता? ये नहीं समझ में आ रहा ना सतपाल जी, ये कन्विंस कीजिए ना। देखिए विपक्ष जब बात कह रहा है, आप नेट का जवाब दें, आपके मंत्रियों को जवाब देना चाहिए था, वे बताना चाहिए था कहां कहां गड़बड़ हुई है। मानने को तो तैयार हो कि गड़बड़ हुई है। अजय जी इनसे पूछिए कि ये पार्लियामेंट के वैध में क्यों आए? अच्छा प्रवीण जी, वाह वाह प्रवीण जी, वैसे तो आप अभी नए नए सांसद बने हैं लेकिन वेल में आने की परंपरा इस देश में, पार्लियामेंट में हमने क्या क्या नहीं देखा इसी वेल में होते हुए। बीजेपी के सांसद वेल में नहीं आते थे, अब आप सत्ता पक्ष में है तो आप उनको ज्ञान देंगे? यही तो होता रहता है, फुटबॉल बना देते हैं, बाकी आदमी सुबह से रात तक खटता है तब जाकर उसको तनख्वाह मिलता है। आप लोग नए नए सांसद सब चुनकर आए हैं, आप लोग ऐसे हो हंगामा करेंगे उसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे।